हेलो फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू रीड खोया खोया चांद सहमा सहमा आसमान फ्रॉम जयप्रकाश चौकसे। ही इज अ फिल्म क्रिटिक। शीतकाल में यूरोप में खुले मैदान पर बर्फ जम जाती है। पूनम की रात चांद की किरणें बर्फ से परावर्तित होकर रात को चमकीला बना देती हैं। इन रातों को व्हाइट नाइट्स कहा जाता है। पूरे वातावरण एक सुंदर उज्ज्वल स्वप्न की तरह हो जाता है। इस तरह जगमग रात जादुई असर करती सी जान पड़ती है। संभवतः ऐसे नजारे से प्रेरित होकर शैलेंद्र ने फिल्म चोरी चोरी के गीत लिखे। यूरोप में क्रिसमस की रात लोग ऐसे ही मैदानों पर जश्न मनाते हैं। मेले में कुछ लोग अपनों से पिछड़ जाते हैं और बिछड़े हुए लोग लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिल जाते हैं। फिल्मकार मनमोहन देसाई ने एक पटकथा राज कपूर को सुनाई। राज कपूर ने फिल्म में काम करना स्वीकार किया। पटकथा रूसी लेखक दोस्तोयेवस्की की कथा व्हाइट नाइट से प्रेरित थी। राज कपूर नूतन और रहमान अभिनीत छलिया में देश के विभाजन के समय नूतन अपने नन्हे बालक के साथ अपने पति रहमान से बिछड़ गई थी। नूतन गरीबों की बस्ती में आश्रय पाती हैं। उस बस्ती का नवयुवक राज कपूर हमेशा मस्ती करता रहता है, परंतु लोगों की मदद भी करता है। राज कपूर अभिनीत पात्र को नूतन से एक तरफा प्रेम हो जाता है। नूतन कभी बढ़ावा नहीं देती। फिल्म के क्लाइमेक्स में बिछड़े हुए पति पत्नी रहमान और नूतन मिल जाते हैं। ज्ञातव्य है कि दोस्तोयेवस्की की व्हाइट नाइट से प्रेरित फिल्म सांवरिया राजलीला भंसारी ने रणवीर कपूर सोनम कपूर के साथ बनाई थी। छलिया में रहमान अभिनीत भूमिका सांवरिया में सलमान खान ने अभिनीत की थी। नीतू सिंह ने कुछ समय तक भंसारी की फिल्म में रणवीर के काम करने की बात छुपाए रखी। जब ऋषि कपूर को यह बात बताया गया तब वे बहुत नाराज हुए, क्योंकि वह अपने पुत्र को स्वयं ही प्रस्तुत करना चाहते थे, जैसे उनके पिता राज कपूर ने उन्हें किया था। बहरहाल ऋषि ने भंसाली के सेट पर गए। सेट नेहरू के शहर वेनिस की तरह था और एक इमारत के ऊपर आर के वैसे ही लिखा था जैसे राज कपूर के स्टूडियो पर था। सब कुछ काल्पनिक रूरी टेनिया की तरह रचा गया था। सांवरिया में रणबीर कपूर एक सीन में बॉबी में ऋषि कपूर की तरह तौलिया लपेटे थे, लेकिन फिल्म असफल हुई। बाद में भी रणबीर कपूर अपनी प्रतिभा के दम पर आज भी सक्रिय हैं। ज्ञातव्य है दोस्तोयेवस्की की क्राइम एंड पनिशमेंट से प्रेरित फिल्म फिर सुबह होगी में राज कपूर ने अभिनय किया था। इस फिल्म के साहिल लुधियानवी के गीत और खयाम का संगीत आज भी लोकप्रिय है। आजकल किशोर वर्ग में एक मजाक वायरल हो रहा है कि इस वर्ष क्रिसमस 14 दिन बाद मनाया जाएगा, क्योंकि सांता क्लॉस को धरती पर आने के लिए ही 14 दिन क्वारंटाइन में बिताने पड़ेंगे। कोरोना के कारण क्रिसमस घरों में मनाया जाएगा और सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ नहीं होगी। कोरोना ने सब कुछ बदल दिया है, परंतु कुछ देशों में नेताओं के कार्यकलाप जस की तस चल रहे हैं। थैंक्स एंड ही इज जयप्रकाश चौकसे। ही इज फिल्म क्रिटिक।